दोस्तों 2 महीने पूरे होने वाले हैं रशिया और यूक्रेन युद्ध के। इस युद्ध में कई लोग मारे गए हैं, कई लोग पलायन कर गए हैं, कई लोग घायल हुए हैं, पर फिर भी ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। दोस्तों क्या आप जानते हैं सोवियत संघ के जमाने से कभी मित्र रहे रशिया और यूक्रेन आज एक दूसरे के दुश्मन बने हैं कैसे? दोस्तों रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में शुरू हुआ था, जब यूक्रेन के तत्कालिक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ, जबकि उन्हें रूस का सहयोग प्राप्त था। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस दक्षिण यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और वहां के अलगाववादियों को समर्थन दिया। 2014 के बाद रूस और यूक्रेन के बीच लगातार टकराव हुआ। इस टकराव को रोकने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। 2015 में जर्मनी और फ्रांस ने मिलकर बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में शांति समझौता स्थापित किया। दोस्तों हाल ही में यूक्रेन और नाटो के बीच अच्छा संबंध हुआ है। इस संबंध का प्रमुख कारण अमेरिका है। अमेरिका नाटो का प्रमुख सदस्य है, इसमें शामिल ब्रिटेन सहित कुल 30 देशों का एक संगठन है। यह भी एक प्रमुख कारण रशिया और